सबसे पहले हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जो केव्स हैं वहाँ जाके हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। काफ़ी अच्छी केव्स बनी है यहाँ पे। एक उस तरफ से केव का एंट्रेंस, एक इस तरफ से, और फिर उसके बाद है मंदिर। So finally reached the entrance of the temple. So this is the how this is how the entrance looks like. Pandit Radhe Sahib Vyas Mukam Asaf Ki Hal Mukam Shamgarh Tehsil Shamgarh Jila Mandsaur Madhya Pradesh. ये धर्मराजेश्वर भंडार के नाम से जाना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वैसे कोई लेख तो पढ़ने में आया नहीं है, तो हमारे जो पूर्वज पुरखा बताते आ रहे हैं उस मान से हम भी उस जो जानकारी उसके मुताबिक बता रहे हैं कि ये पांडवों के अज्ञातकालीन समय में बना हुआ है, यानी द्वापर के अंतिम क्षण में महाभारत कालीन। इसलिए यानी पांडवों में बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मराज थे, उनके ईश्वर थे, इसलिए इनका नाम धर्मराजेश्वर। यहाँ की विशेषता है कि ये मंदिर जमीन से अंदर है और एक ही चट्टान में बना हुआ है, इसमें कोई खंड नहीं है, ये अखंड है, अखंडता का प्रतीक है। और दूसरी विशेषता यह है कि गर्भगृह के अंदर भगवान विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव यानी हरि हर दोनों विराजमान हैं, क्योंकि ये बहुत कम जगह दर्शन होते हैं हरि हर दोनों ही। या तो भगवान शिव का ही मंदिर रहता है या विष्णु का ही है, और यहाँ इनकी कृपा से दोनों हैं। और यहाँ की विशेषता एकता और अखंडता का प्रतीक है। यहाँ से दक्षिण साइड में पहाड़ों में बुद्ध गुफाएं हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, कचेरियां हैं, यानी छोटी मोटी करके ऐसे बताते हैं 300 के लगभग छोटी मोटी गुफाएं हैं। बड़ी विशेषता है यहाँ, जो भी भक्त आता है मनोकामना लेकर के महादेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में महापुरुषों ने कहा है कि यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम, यानी जो भी कामना लेके आते हैं भगवान शिव उनकी इनके दर पे उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होते है। ऐसी स्थिति भी है जो मरणासन सैया पे सोए हुए भी हमारे अनुभव में हमारे अनुष्ठान हम भगवान ने ऐसा हमको मौका दिया मां मृत्युंजय अनुष्ठान करने से उनकी भी यानी मृत्यु टल करके वापिस जीवित हो गए। ऐसे भगवान की अद्भुत है लीला है उनकी। और यहाँ पे विशेष क्या है कि गर्भ जो ग्रह है भगवान का, ये बड़ा विग्रह, ये इसके सहित यानी 11 मंदिर है। एक छोटा मंदिर है जो मेन सूरज पोल से आते हैं, तो उसमें भगवान गणेश अंबिका है, और उसके बाद में पूर्व साइड में दक्षिण मुखी माता जी का स्थान है, और उसके सामने ठीक काल भैरव का स्थान है उत्तराभिमुख। फिर उससे आगे चलेंगे तो ईशान्य कोण में शनि का मंदिर है, फिर इस परिक्रमा में आगे चलेंगे पंचदेवियों का मंदिर है, फिर उससे आगे भगवान विष्णु अकेले नारायण शयन कर रहे हैं, फिर उससे ठीक गर्भ मंदिर है बड़ा मंदिर, उसके पीछे पश्चिम में भगवान नारायण सो रहे, सब देवता उनकी स्तुति आराधना कर रहे हैं उनको जगाने के लिए। फिर उसके बाद में नैऋत्य कोण में राधा कृष्ण मंदिर है, उस समय काल अज्ञात लोगों ने मूर्ति खंडित कर दी, इसलिए वो संग्रहालय में मंदसौर है अभी वर्तमान में। और उसके बाद में दशा अवतार भगवान के दसों अवतार की मूर्तियां हैं उन यानी मेन मंदिर के नैऋत्य कोण में विद्यमान है उत्तर साइड में। और पूर्व साइड में सूरज पोल करके बड़ा दरवाजा है, बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ी को काट करके बनाया हुआ है, और इसके अलौकिक अदृश्य यानी भारतवर्ष में हमारे जीवन में हम भी बहुत राज्य में भ्रमण किया भारत में, तो ऐसा स्थान कहीं नजर नहीं आया कि जो भी मंदिर निर्माण किया चाहे हम अपने वहाँ अमृतसर में सुकुश बनाया हुआ है, और ये एक ही चट्टान को
उदेर करके एक ही पहाड़ में बनाया हुआ इसकी विशेषता है। ऐसी अलौकिक दिव्य विभूति भारत में हमारे मान से हमको कहीं दर्शन करने को नहीं मिला। ये भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। मैं पंडित राधे श्याम व्यास असावती तेज सामगढ़ हाल मुकाम सामगढ़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया, ये जो मंदिर है युधिष्ठिर के धर्म पिता, युधिष्ठिर ने अपने धर्म पिता की पूजा करने के लिए यहाँ पे बनवाया था। और ये जो पूरा मंदिर है ये सिर्फ एक ही शिला के ऊपर की गई नक्काशी का एक अद्भुत उदाहरण है। तो धर्मराजेश्वर टेम्पल तो हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया, यहाँ की हिस्ट्री भी अच्छे से जान ली। अभी हम लोग जाते जो पास में बौद्ध गुफा आई थी वहाँ पे जाते हैं, मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं केव नंबर 1251 और यहाँ पे ये सारी केव्स हैं इस तरफ, और यहाँ पे भी शायद रास्ता है इधर पूरा केव को अगर अच्छे से कवर करना हो तो। अभी हम लोग चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं। ये वाली गुफा भीम की गुफा बोलते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि सबके अंदर जाके मैं देख सकता हूँ, तो जो मेन है वहाँ पे मैं जाके और वहाँ का आपको सिनेमैटिक व्यू बताता हूँ। तो ये जो है इसको भीम बाज़ार कहते हैं। अभी उस ज़माने में यहीं पे शायद जो संडे वगैरह का हाट रहता है वो यहाँ पे लगता था, जो फेयर वगैरह रहता था संडे को शायद वो यहीं पे लगता था। और यहाँ के एंट्रेंस भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो और अभी तक यहाँ के इसके रूइंस बचे हुए हैं। हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए, अभी जाते हैं सेकंड लोकेशन पे जो कि है तक्षकेश्वर महादेव मंदिर। और वो मंदिर की भी एक अपनी काफी अच्छी कहानी है, वो कहानी मैं वहीं पे जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं सेकंड लोकेशन पे। और काफी अच्छा एरिया है ये, तो मुझे काफी अच्छा लगा एक इतनी ज्यादा पुराने टाइम की केव्स वगैरह देखे। यहाँ पे एक भीम मार्केट है, और यहाँ पे पहले जो कोर्ट कहते थे, कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहाँ के बोर्ड पे। तो यार आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड। So we have reached the second location of our day, which is Takshkeshwar Mahadev Temple. तो यहाँ की भी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। अभी पहले जल्दी से जाते हैं, पंडित जी से पूछेंगे, अगर वो बताते तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास जस्ट उसी में वो शेयर करूँगा। आई डोंट थिंक कि दोनों स्टोरी अलग अलग होनी चाहिए,
लेकिन फिर भी एक बार अगर कन्फर्म कर लूँ तो अच्छी बात है। और ये जो टेम्पल है ये पूरा एकदम अच्छे से अरावली हिल्स का जो रेंज है उसके अंदर सिचुएटेड है। और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, देखते हैं अगर अभी वाटरफॉल में, अगर अभी वाटरफॉल अच्छा हो रहा होगा, पीक पे होगा, तो मेरे पास सारे एनडी फिल्टर्स है तो मैं अच्छे से जो है स्लो शटर वाले फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ। देखते हैं अभी आगे क्या सीज़न होता है। सो दिस ऑल आर दी अरावली हिल्स, और इन सब के बीच में यहाँ पे है तक्षकेश्वर महादेव मंदिर, और वहाँ पे वो है एक छोटा सा पॉन्ड। अभी देखते हैं अगर वाटरफॉल में पानी होगा तो अच्छी बात है। और अभी जल्दी से चलते हैं नीचे की तरफ, सीढ़ियाँ उस तरफ है, यहाँ से वापस ऊपर चढ़ के और फिर उधर से नीचे जाना पड़ेगा। तो हम लोग इस मंदिर तक पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि शाम का समय हो चुका है, 5 बज चुके हैं शाम के। अभी जल्दी से हम लोग के मंदिर में दर्शन करते हैं, इस मंदिर की जो कहानी है वो सुनते हैं। भी है ये जगह जो है लगभग 5000 वर्ष पुरानी है ये, और यहाँ पर भगवान तक्षकेश्वर महादेव का जो है मंदिर है। जब तक्षक यहाँ से गुजर रहे थे तो यहीं पर उनकी धन्वंतरी जी से उनकी भेंट हुई, और दोनों ने अपनी अपनी जो है वो जिसे कहते हैं अपना अपना सार्थकता दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से डसूंगा, और उन राजा भगवान धन्वंतरी ने कहा कि नहीं, मैं उनको इस प्रकार से बचा लूँगा। तो दोनों ने जो है एक वृक्ष पर अपनी विद्या को अपनाई, और उन्होंने ये बात सत्य राजा तक्षक ने मान ली कि धन्वंतरी जी उन्हें बचा लेंगे। तो राजा तक्षक ने जो है फिर आगे जा कर के उनको छल से एक डंडा बने, और डंडा बन करके और धन्वंतरी जी की पीठ में जो है कुजाल चलना, उनका डंडा उठाना, ये सब एक प्रकृति की भी देन है और ईश्वर का भी जो है करना ही था। राजा परीक्षित को डसना था, इसलिए उनको भगवान के उसको भी पूरा करने के लिए प्रकृति कहीं ना कहीं सब अपने जो है वो करवाती है। उसी प्रकार से राजा तक्षक ने धन्वंतरी जी को डसा, और डसने के बाद वो अपने गंतव्य की ओर गए। और धन्वंतरी जी की ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो उनके शिष्य थे जो यहाँ की औषधियों का अनुसंधान कर रहे थे, उन्होंने उनको यहीं पर जो है दाह संस्कार किया, क्रियाक्रम किया, क्योंकि इस जगह पर जो है आसपास के लोग अस्थियाँ भी डालते हैं और वो अस्थियाँ इस पानी में गल जाती है। सोरम जी गंगा जी में जो होता है वही कार्य यहाँ होता है। यहाँ जैसे आप अस्थियाँ डालोगे और कुछ समय के बाद आप देखोगे तो वो गल करके और निकल जाती है, ऐसी इस जगह की मान्यता है। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद इस जगह मंदिर के बारे में बताने के लिए। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है, और परीक्षित महाराज को जब राजा तक्षक डसने जा रहे थे तो उसके पहले यहाँ पे शायद उन्होंने धन्वंतरी को भी रोकने का प्रयास किया था। तो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड।